सदियों पहले सामंती जापान के वक्त फौजें लड़ा करती थी अपनी रियासत की कमियों को काबू करने के लिए। उनके अपने अपने हथियारों को वो परछाई के योद्धा बुलाते थे। वो बहुत ही जानलेवा कातिल हुआ करते थे। वो अभी भी मौजूद हैं, पर अभी ये एक ग्लोबल मार्केट है जहां हत्याओं का व्यापार होता है। हम सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाते हैं जो भ्रष्टाचारी और शैतान होते हैं। हमें अपने मकसद में हमेशा सफलता मिलती है और हम अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। हमारा नाम है परछाई माफिया। तुम किस पे भौंक रहे हो? जाके चेक करो। मैं अगली बार छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं। इस बार पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करो। पिछली बार मैं तुम्हारी वजह से नाकामयाब हो गया था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे वहां क्या हो रहा है? चल के देखते हैं। कुछ तो वहां पर। चलो चल के देखते हैं। चलो जल्दी उधर जाके देखो। चलो उधर देखो। हाँ हाँ उधर देखो। तेरी तो रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? हे, वापस आ! कहाँ भाग रहा है? Oh!
चलो इस जगह को तलाशते हैं और निकलते हैं जल्दी से। मेरे पापा तुम सबसे मिलना चाहते हैं आमने सामने। आपने मुझे यहां बुलाया तेत्सु? मैं अपना सारा का सारा बिजनेस अपने बेटे को सौंप रहा हूं। पूरे आदर के साथ तेत्सु, इसमें कोई शक नहीं कि केन सबसे अच्छा हत्यारा है, पर उसके पास परछाई माफिया के लिए योजनाएं हैं। वैसे वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए एक बार फिर सोच लीजिए। अब वक्त बदल गया है, मेरा समय खत्म हो चुका है, मुझे प्लीज छोड़ दो। तो तुम के इनके नए बॉस बनने के बारे में क्या सोचते हो? यह उम्दा चुनाव है, यह तरह से बेहतरीन हत्यारा है। तुम जानते हो ना कि वो चाहता है कि हम पूरे परिवार को निशाना बनाएं। मेरा मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर तुम चाहते हो तुम आदमी को संभालो, मैं बीवी और बच्चे को संभालता हूं। हम शाम को निकलेंगे। तुम यहां नहीं रुक सकते, तुम्हें जाना होगा। ऐसा लगता है कि मेरे बूट में कुछ तकलीफ है, अगर आप मुझे अपना हाथ दोगे तो। वहां मेरी बोट चालू नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं कि बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर इंजन में, अगर तुम आके देख लो तो। प्लीज
जमीन पे बैठ जाओ, जल्दी बैठो। कौन हो तुम? ए सैम, मेरे बिना पार्टी शुरू मत करो। बीवी और बच्चा कहाँ है? मैंने पहले ही उनका इंतजाम कर दिया है। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं जानता था तुम ऐसे ही बंदे हो। प्लीज नहीं, इधर आओ प्लीज। नहीं नहीं प्लीज नहीं, नहीं डैडी। तुमने कहा था कि तुमने उनका इंतजाम कर दिया है। नहीं, तुम गद्दार, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। शांत हो जाओ बच, शांत हो जाओ। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें गायब होना होगा। थैंक यू, वरना दूसरे आएंगे। चलो चलते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैम है, और आपका? मुझे राया जान कहिए। शांत रहो, इतने परेशान मत हो, अपने आप को यहां आराम दो। अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखो। अंदर सांस खींचो, क्या हुआ इसे?
इस आदमी पर टाइगर ने हमला किया था। ये क्या है? इन जड़ी बूटियों से मैं इसका इलाज कर सकता हूं। नहीं, छूना मत। इस तलवार में आत्मा है। प्रायः चांद ने बताया था कि कैसे बहुत समय पहले लाना के जमाने में एक महान योद्धा था। लड़ाई में अपने राज्य को बचाते वक्त दुश्मन सैनिक उस पर हावी हो गए और उसे मार डाला। लोगों के दिलों में उसके लिए इतनी श्रद्धा थी कि प्राचीन रीति रिवाजों के साथ तुरंत ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे वो अपनी आत्मा अपने पास रख सके। उसकी राख से उन्होंने एक प्लेट बनाई जो उसकी रक्षा कर सके और जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें हानि ना पहुंचा सके। प्रायर चांद, आपका शुक्रिया। जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए। जो भी शांति की खोज में है हम उनका स्वागत करते हैं। मैं कभी शांति में नहीं जी सकता, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। शांति ढूंढने के लिए तुम्हें अपने अंदर देखने की जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। माफ कीजिएगा। सॉरी। तुम हिंदी बोलती हो? हाँ बोलती हूँ। बहुत अच्छा। तुम वही लड़की हो ना जो पहले डांस कर रही थी? हाँ। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ सच में वो बहुत खूबसूरत था। शुक्रिया। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया हूँ। तुम्हें पसंद आई? ये बढ़िया है। हाँ मुझे पसंद आया। आप कुछ पीना पसंद करोगे? क्यों नहीं। एक और दूध प्लीज। शुक्रिया। शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें पूरी जगह दिखाती हूँ। क्यों नहीं। मेरा नाम माली है। मेरा नाम सैम है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ दिलचस्प सा है। चलो देखते हैं। कहाँ? वहाँ पे। चलो वहाँ चलते हैं। आओ। चलो।
सैम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताऊँ? वो क्या है? मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत अच्छी खबर है। हम उसका नाम क्या रखेंगे? अगर लड़की हुई तो हम उसे सूरी बुलाएंगे, और अगर एक लड़का हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे शेरो। ठीक है। या ये तुमने वो करना कैसे सीखा? अपने अंकल को देखकर जब मैं छोटा था, वो एक लोहार थे। अच्छा है। मेमे, मेमे, नमस्ते मेमे। नमस्कार। मैंने इसे बना लिया। खूबसूरत दिख रहे हो। लीजिए। ये ठीक है। मैंने इसे इस तरह काटा है। क्या है, ठीक है? अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए लाए इसका शुक्रिया। ओके। नमस्कार। तुमने क्या सोचा तुम हमारी नजरों से बच जाओगे? हाँ, Hey!
मैंने सोचा था कि तुम भाग जाओगे। शीरो, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है, ठीक है? या! सैम! यहीं रुको, कहीं मत जाना, ठीक है? यही रहना, I love you, Shiro. और ये है बुच के लिए। बहुत हो गया। जाओ नर्क में। सैम, कहाँ जा रही है? इधर आओ, छोड़ो मुझे। हाँ, क्या तुम्हारी माशूक है? उसे छोड़ दो। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। Thank you.
परछाई माफिया को अपने सारे काम सैटेलाइट सिग्नल से मिलते हैं, जिनको की ऊंची इमारतों और एक कंप्यूटर से हैक किया जा सकता है। एक साथ वो दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं उन्हें एक एक करके मारूंगा। मैं उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। मैं अपने और शीरो के लिए फेक पासपोर्ट बनाऊंगा। मैं शीरो को पराया जान के साथ नहीं छोड़ सकता, पर चाहे माफिया किसी को भी कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा सुरक्षित मेरे साथ रहेगा। जोसेफ, हे सैम, और क्या बात है यार, तुमसे मिलकर खुश हुई पुराने दोस्त। मेरा पुराना दोस्त, ये तुम्हारे साथ प्यारा बच्चा कौन है? इसका नाम शीरो है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा शीरो, आओ बैठो ना। शुक्रिया, तुम मेरे मेहमान हो। फिटियोना, चाय लेकर आना प्लीज। बस एक मिनट। क्या तुम शीरो को दूसरों बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाओगी? हाँ, मेरी बहन शीरो का ख्याल रखेगी। मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सकता है वापस आऊंगा, ठीक है? तुमने अपने आप को इस बार किस मुसीबत में डाल लिया है, बताओ ना। एक साथ वो दिखाई नहीं देते, इसीलिए मैं उन्हें एक एक करके मारूं। मुझे नहीं जानना, सब तैयारी हो गई है। ये रही टिकट, और तुम्हें 6 बजे निकलना है। और ये तुम्हारे लिए। जो तुमने मेरे लिए किया उसके बाद अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे मेरे बेटे को दे देना, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखना। मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं शीरो को अपने साथ नहीं ले जा सका, रेगिस्तान उसके लिए बहुत मुश्किल होता, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मेरा पहला निशाना है रेड। वो पहले परछाई माफिया का एक किराए का गुंडा था, लेकिन जब से केन ने कारोबार हाथ में लिया है वो किसी के लिए भी काम करेगा जो पैसे देगा, फिर भले ही वो आतंकवादी हो। हम आतंकवादियों को मारा करते थे।
इधर आओ, चलो। क्या तुमने सब तैयारी कर ली? Come on, मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था तैयारी कर ली तुमने। मैंने बस उनसे बात की है। बस इसका ख्याल रखो, ठीक है? कल हमारा ट्रेनिंग का दिन है। ठीक है बॉस, मैं सबका ख्याल रखूंगा। ए, तुम काम करो अपना अपना। चलो रे चलो। नजर रखो। नहीं, नहीं। मर गया था तो परछाई माफिया आजकल ये काम करती है, आतंकवादियों को तैयार करना और मासूमों को मारना। मारना हमारा कारोबार है और कैन ने हमारा बाजार खोल दिया है और हम पहले से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और मेरी बीवी? तुम जानते हो कि जब तुम माफिया से गद्दारी करते हो तो क्या होता है? अब तुझे पता चलेगा कि क्या होता है जब कोई मेरे रास्ते में आता है। Yeah.
मैं केज के छुपने की जगह पे जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ वही जिंदा रह सकता है। वहाँ पे चूहे भी नहीं रहते। केज सड़क पे पैदा हुआ था, वहीं पे पला बड़ा और वो सड़कों पे राज करता है, और आज रात वो मरेगा भी सड़क पे। ठीक हो ना मेरे बच्चे? मैं अभी वापस आता हूं, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। क्या चाहिए? तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? कमान क्या लगता तुम मुझे मार सकते हो? उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर गया और गंदी बस्ती की सड़कों पर चला। यहाँ के लोग उसकी तरफ देखते हैं
एक खतरनाक हत्यारा जिसके पास बहुत पैसा है। उनकी नजरों में वो एक हीरो है, आज के जमाने का रॉबिन हुड, पर मेरे लिए वो एक गुंडा है जो आज मरने वाला है। मारेगी ये, मेरी वाली मारेगी। अरे पीछे मत हटो। अरे पीछे कहाँ हट रही है। ए बच्चे, प्यारे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? अरे सुनो, बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगी। शुक्रिया। ओ ये कौन है भाई? चलो इसे भी देख लेते हैं। हाँ चलो देखते हैं। अपने आपको तरम खान समझ रहा? अरे इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ वापस लौटाओगे। इतनी भी जल्दी नहीं। तुम्हें पता नहीं मुझे हथियार पसंद नहीं, पर तुम चाहो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मारो उसे।
चलो चलते हैं शिरो। मेरा अगला निशाना है एक इंसान से ज्यादा राक्षस। उसके इलाके के लोगों का मानना है कि वो पेड़ का भूत है। वो भूत नहीं है, पर जब मैं उसे मार दूंगा तो वो भूत बन जाएगा। अच्छा तुम ठीक हो? ठीक हो ना? Yeah.
इससे पहले कि मेरा मुकाबला कैन से हो, मुझे शीरो को किसी ऐसे के पास छोड़ना पड़ेगा जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। मुझे रेसन पे विश्वास है, वो एक तलवार बनाने वाला है और वो तलवार के पुराने तरीकों के साथ जीता है। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे माँ बाप एक हादसे में मारे गए। और मैं अकेला रह गया। मेरे अंकल आए और मुझे अपने साथ रहने के लिए ले गए। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, जीना सिखाया और कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं यह सिखाया। पर वो एक सताई हुई आत्मा थे, अपने राक्षसों का शिकार बने, वो मेरा ख्याल नहीं रख सके। तो उन्होंने मुझे एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव पर भेज दिया, दूर वहां उस आदमी को ढूंढने जिसे वो ढूंढना चाहते थे। जब मैं पहुंचा, मैं चला और मैं चलता रहा जब तक कि मैं और नहीं चल सकता था। और तभी रावसन ने मुझे ढूंढ लिया और उसने मुझे रहने की जगह दी। उसने मेरे कौशल को परखा और तब टेत्सु ने मुझे हायर किया। रेसन। सैम, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है रेसन। हाँ मुझे, ये मेरा बेटा है शीरो, बहुत ही प्यारा है। मुझे आपसे पूछना है कि क्या मैं इसे थोड़े वक्त के लिए आपके पास छोड़ सकता हूँ? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना है और आप ही अकेले हो जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। क्या मैं इसे आपके पास छोड़ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, लो जाओ। चुप हो जाओ बेटे। कोई बात नहीं शीरो, शीरो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। आई लव यू।
रो मत। जितने भी हत्यारे मेरी लिस्ट में हैं, उनमें कैनी ही है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, इसलिए मैंने उससे आमने सामने मिलने का फैसला कर लिया है। कोई सरप्राइज नहीं, कोई घात नहीं लगानी, इसलिए मैंने उसे संदेशा भेज दिया है और तारीख और जगह तय कर ली है। इसमें खतरा होने के बावजूद मैं उसे उसकी जमीन पर मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इरादों को संजीदगी से समझे। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि कोई भी जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, उसका खुद का अड्डा भी नहीं। सैम, तुम मेरी सारी टीम को मारने में कामयाब रहे। मैं प्रभावित हुआ। मैं यहां बात करने नहीं आया हूं। तुम्हें पता है कि तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। तो तुम्हें क्या लगता है सैम, हो सकता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, जिससे कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी ग्लानी में काटो। तुम अपनी बीवी की मौत का कारण हो। उसका अपराध इतना था कि उसने गलत आदमी से प्यार किया। हो सकता है कि मैं तुम्हारे बेटे से जाकर मिलूं, तुमसे निपटने के बाद। Come on. तो ऐसा दिख रहा है कि तुम ही हो जो खुशी से जियोगे, जल्दी ही तुम अपनी बीवी के पास नर्क में होगे। यही बात है, बिल्कुल। अगर वो तुम्हें पा लेगी, अगर वो तुम्हें माफ कर सके जो तुमने उसके साथ किया है तो। मेरी पुरानी जिंदगी के कारण हमें छुप के ही रहना होगा। आई मिस मैली, और शिरो अपनी मां को बहुत याद करता है। ये लो बॉल मेरी तरफ फेंको। शाबाश शाबाश। अच्छा फेंका तुमने।
फेंको, अरे इधर से फेंको। अरे वाह, ये हुई ना बात। अच्छा, शिरो, 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 तत्सु, इसे जाने दो। मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा। कैन आपके जैसे इज्जत के लायक नहीं था, उसकी कोई सीमाएं नहीं थी और उसने मेरी बीवी को मारा था। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, इसे जाने दो, आप मुझे मार दीजिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। सैम, ब्लेड का इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हारी मां को अपने साथ देखा। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो हमेशा हमारे साथ है। वो पेड़ों में है, धरती में है और आसमान में है। वो हर जगह है। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? अब चलो घर चलते हैं।